केसरी विरासत विच तुहाडा एक बार फिर हार्दिक स्वागत। अज दा जो असी एपीसोड लैके आए हां तुहाडे लई ओह बिल्कुल विशेष है और आम रूटीन तो हटम है। असी जानते हैं कि करोना वायरस COVID-19 बहुत बुरे तरीके नाल पूरी दुनिया नूं अपनी पकड़ च लै चुका। भारत दे विच वी इह काफ़ी तेजी नाल जिहड़ा ओह वधण दी कोशिश कर रहा, पर इत्थों दीआं जिहड़ीआं समाज सेवी संस्थावां ने, इत्थों दी सरकार वल्लों जिहड़े चुके गए कदम ने सख्त कदम ने, और इत्थों दी जिहड़ी जनता उहदा जो सहयोग सरकार नूं मिल रहा उहदा ही नतीजा कह सकदे हां कि फिर भी जिन्ना इह खतरनाक वायरस है उहनूं कितें ना कितें हद तक कंट्रोल कर लिया गया। तो इस मौके जिथे साडियां सिख संस्थावां पंजाब दे बहुत सारे समाज सेवी संस्थावां जिहड़ीआं उह इस खेत्र च अगे आ रहीआं ने, उहनां ने आ के बांह फड़ी है समाज दी। उत्थे एक बहुत चर्चित संस्था है RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये चर्चा दे विच बहुत रहिंदी है, ये कई बार साडे समाज दे विवाद का कारण भी बनती है। सो अज ये जिहड़ी संस्था आ अज दे दौर विच इस खतरनाक करोना वायरस दे दौर विच ये संस्था की कर रही है, ये जानने लई असीं इत्थे RSS दे जलंधर दे दफ्तर आए हैं पीड़ी कोठी। इत्थे साडे नाल ने श्री महेश गुप्ता जी, ये इत्थों दे अधिकारी ने। असीं इन्हां कोलों जाणांगे कि इत्थे जलंधर दे विच इस वेले इन्हां दे की कार्ज चल रहे हैं। तो गुप्ता जी, सब तो पहला तुहाडा हार्दिक स्वागत जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जी। गुप्ता जी, सब तो पहला असीं यह जानना चाहांगे तुसीं थोड़ा अपने बारे पहले जरूर दसो साडे दर्शकां नूं कि तुहाडे कोल इत्थे की जिम्मेवारी है जलंधर दे विच। मेरे कोल जलंधर जिहड़ा है इहदी जॉइंट जनरल सैकटरी उहदे नाते जिम्मेदारी है, जिहदे विच जलंधर दा पूरा शहर आंदा और नेड़े नेड़े दे कुछ जिहड़े आ उह पिंड उहदे विच जलंधर दे विच आंदे ने, उहदा सारा काम जिहड़ा है उहदे विच जॉइंट जनरल सैकटरी दे नाते मैं देखदा हां जी। जॉइंट जनरल सैकटरी बहुत वड्डी जिम्मेवारी है और अहम जिम्मेवारी है, और असीं इहनां कोल जानना चाहवांगे जनरल सैकटरी साहब, असीं तुहाडे कोल जानना चाहवांगे सब तों पहलां तां कि जलंधर दे विच जदों दी इह महामारी फैली है जी, RSS दा उहदे विच की जिहड़ा उह रोल रिहा, किहो जिहीआं सरगर्मियां RSS ने कीतियां ने, जां नहीं है कि जिवें आम किया जांदा समाज विच कि RSS ते कुछ कर नहीं रही, तुसीं थोड़ा जिहा सानूं दस्सो कि RSS कर की रही है। इदां है जी, जिस दिन तों पहले दिन तों लॉकडाउन शुरू होया, जदों साडे देश दे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू शुरू किया, उस तों बाद पंजाब सरकार ने जिहड़ा है लॉकडाउन शुरू किया और दूजे तीजे दिन इहनूं कर्फ्यू विच कन्वर्ट कर दिता जी। उस दिन तो ही, पहले दिन तो ही साड़ी योजना जिहड़ी है समाज वास्ते काम करन लई, क्योंकि साडा तां मूल मंत्र ये है कि हम भी देश के लिए कुछ देना सीखें, मतलब असीं अपने लई भी करिए पर सब तो पहला देश और समाज लई करिए और तो बाद अपने लई करिए, ये साडा मूल मंत्र है। और उस ही मूल मंत्र दे उत्ते चलदे होए जदों ये महामारी दे विच लॉकडाउन की घोषणा हुई, उस तो बाद ही असीं योजना बना के इहदे उत्ते काम करना शुरू कर दिता। और साढ़े जिहड़ी जिदा कि जलंधर नूं असीं 18 नगरां विच वंडिया होया है और नेड़े नेड़े दे जिहड़े पिंड है उहनां नूं 4 खंडां दे विच असीं वंडिया होया है, उहनां दे विच शहर दी भी और पिंडां दी भी सारी योजना जिहड़ी है इक टोली बना के टीम बना के असीं शुरू कर दित्ती सी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहवांगे कि बहुत सारे मीडिया च बहुत सारिया संस्थावां ने जिन्हां दे बार बार सोशल मीडिया उत्ते भी आ रहा है ते वख वख मीडिया अदारियां च भी आ रहा कि वो समाज लिए इस तरह सेवा कर रहे, कोई लंगर ला रहा, कोई कुछ कर रहा, तो RSS का इस तरह बहुत ज़्यादा कोई देखने को पंजाब च नहीं मिलिया, तो तुम सानू जरूर दसो कि RSS ने इस मौके पर किहो जिहीआं सरगर्मियां कीतीआं, कि चीज़ जिहड़ी उह कीती समाज लई। जिस तरह कि आपां सारिआं नूं पता ही होवेगा कि मैं पहला भी दस्सिया भी साडा मूल मंत्र है देश और समाज की सेवा, इसलिए असीं प्रचार करन विच विश्वास नहीं करते। जो भी RSS काम करता है, चाहे वह अपनी रोज़ की गतिविधि है साड़ी शाखा की या शाखा तो अलावा होर भी गतिविधियां साड़ियां समाजिक धार्मिक होंदियां, असी उहदे विच कोई भी किसी तरह का प्रचार करन च विश्वास नहीं करते। इस तरह ही यह भी जिहड़ी एक आपदा की घड़ी जिहड़ी है देश दे उत्ते आई है, इहदे विच भी संघ अगर कोई काम कर रहा है तो वह प्रचार करन लई नहीं कर रहा, वह अपने जिम्मेदारी समझते हुए देश के नागरिक के नाते और साडे दूजे भैणां भरावां दे समाज के लोगों के प्रति साडी जिम्मेदारी समझते हुए असी काम कर रहे हैं और असी प्रचार बिल्कुल नहीं करते। हाँ, किसी वेले कोई मीडिया समूह या कोई अपने आप कोई उहनूं लैण दी कोशिश करता है उस खबर नूं या उस काम नूं, तां असी उहनां नूं इनकार नहीं करते,
परंतु असी अपने वालों कोई भी खबर अपने लैटर पैड से या अपने संगठन वालों नहीं भेजते, इसलिए असी प्रचार से नहीं आते जी। अच्छा ये दसो थोड़ी जी सानू सरगर्मियों बारे दसो कि तुसी हुण तक जिहड़ा कीता आ वो की योगदान पाया जलंधर दे विच, खास तौर पर दसो जलंधर च तुहाडे किन्ने क लोग ने जिहड़े कि सेवा कार च लगे हुए ने और वो किहो जी सेवा कर रहे हैं जलंधर च? उदा तो साढ़े जिहड़े सक्रिय जिन्हों एक्टिव असी मैंबर कहने स्वयं सेवक के तौर पर वो बहुत वड्डी गिनती विच ने, परंतु सेवा दे कम्मां विच असी कुछ सिलेक्टेड जिहड़े आ वो अपने कार्यकर्ता वॉलंटियर जिहड़े वो लगाए सी जिन्हां दा इंट्रस्ट जिहड़ा इस पासे है और अगे भी वो सेवा करते रहिंदे ने। उहदे नाते असी 500 दे करीब जिहड़े अपने कार्यकर्ता साढ़े जिहड़े आ उन्होंने शहर के वख-वख हिस्सों च और पिंडां विच सेवा दे कम्म जिहड़े आ वो कीते आ, और जिहदे विच तकरीबन जिदा मैं दस्सिया भी 18 नगर साढ़े शहर च असी वंडिया होया 18 नगरां दे विच, और इस तरह ही 4 साढ़े खंड ने, और ये सारा पा के 22-23 स्थाना ते अलग अलग जगह असी ये जिहड़े सेवा दे कम्म कीते आ। अच्छा ये दसो जिवें तुसी गया बहुत वड्डी गिणती है 500 वर्कर इस काम लई लगा होवे सेवा लई, और जिवें तुसी दस्सिया कि 22 खेतरां 'च तुसी वंडिया होया 22 इलाकों 'च वंडिया होया, उन्हां दे विच की एक एक थां दे उत्ते कोई इस तरह की कोई योजना करके कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ज किस तरह के ना काम की करते हैं? क्योंकि जे आपां 25 स्थान भी मान लैने हैं तो 500 जिहड़ा वर्कर उत्थे 20 वर्कर तुहाडे जिहड़े कार्यकर्ता वो एक खेत्र 'च आए आ, वो किवें तुसी उहनूं मैनेज करदे हो थोड़ा दस्सो। इदां है जी भी एक जिदा मैं दस्सिया भी नगर है, नगर दे विच जिन्ने महल्ले बस्तियां जां कुछ इस तरह के सलाम इलाके आते हैं तो उन्हां इलाके सारयां नूं कवर करन लई असी फिर वो काम करते हैं। वो हर इलाके च जिथे साडे कार्यकर्ता रहिंदे ने कोई 4 कोई 5 कोई 10 वो फिर इस काम च लगते हैं। कुछ कार्यकर्ता जिहड़े अस्थाई रूप नाल सारा समा काम कर रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों में जदों असी काम कोई करना हुंदा असी उन्हां नूं काम विच योजना बना के लगाने हैं। इस तरह ही असी 500 कार्यकर्ता के करीब जिहड़े साडे कार्यकर्ता वो सारे तकरीबन आपां मान सकते हैं भी 23-24 दिन हो गए सानू जिस दिन तो लॉकडाउन शुरू होया दूजे तीजे दिन असी योजना बना के इहदा काम शुरू कर दिता सी और ये सारे कार्यकर्ता काम च लगे हुए। खास तौर पर तुसी जिहड़े सलाम खेतर ने झुग्गी चौपड़ी खेतर उहनूं अपने निशाने ते लै रहे हो, उहनां नूं तुहानूं लगता कि उस खेतर दे विच ही ज़्यादा जोर दिया ते एक ये भी गल आउंदी है जी कि जिहड़ा मध्यम वर्ग है मीडियम क्लास का व्यक्ति है कई बार उहदे कोलों चीज़ां नहीं हुंदियां पर वह शर्माउंदा जिहड़ा वह मंगण तों शर्माउंदा जिहड़ा वह घरों बाहर नहीं आउंदा जां अपनी गल किसे नाल करदा नहीं, तो तुहाडा इधर नहीं कोई ध्यान गया थोड़ा कदी? नहीं इदा है जी भी जिहड़ा वर्ग मीडियम वर्ग है अगर उन्होंने भी किसी तरीके की चाहे वह कोई मैडिकल एड की लोड़ पैंदी है या किसी होर तरीके की सहायता पैंदी है लोड़ तो असी वह भी उन्होंने पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिथे साडे ध्यान विच ये चीज़ां आंदियां है, परंतु जिहड़ा साडा सलम इलाकों विच या कुछ इदा दा निराशित वर्ग है या रोज़ कमा के खाने वाला वर्ग है उन्होंने जिहड़ियां दिक्कतां है वो सानू उहदे वल साडी फस्ट प्रायोरिटी जिहनूं असी कहिंदे आ भी वो उहनां वल ज़्यादा रहिंदी है, और जिहड़ा बाकी मध्यम वर्ग हैगा वा उन्होंने जिस तरह सानू नज़र आता कोई जरूरत है तो असी उन्होंने भी वो जिहड़ी सहायता जिहड़ी है वो दिंदे आ। अच्छा एक चीज़ तुहाडे को जानना चाहवां कि अक्सर चर्चा आ कि जिहड़ा RSS आ ये काफ़ी योजनाबद्ध ढंग नाल करता जिहड़ा भी काम नूं करता, तो ये तुहाडी जिहड़ी योजना आ उहदा थोड़ा रूपरेखा सानू दसो कि तुसीं उहदी पहचान किवें करदे हो लोड़वंद व्यक्ति की कि हाँ जी इस बंदे नूं सचमुच जरूरत है और इहदे कोल पहला राशन नहीं है अज झूठ नहीं बोल रहा जी। इदां है जी जिदा मैं दस्सिया भी असीं अलग अलग छोटे इकाइयां दे विच हिस्सों दे विच शहर नूं और पिंडां दे इलाकियां नूं वंडिया होया है, और असीं हर नगर दे विचों असीं कुछ कार्यकर्ता दी वॉलंटियर दी टोली टीम बनाई है, वो टीम जिहड़ी है अपने इलाके च क्योंकि वो टीम भी उत्थे दी रहण वाली है उस इलाके की तो उन्होंने पता है भी साडे इलाकियां च किहड़े इदां दे लोग है जिन्हां इस तरीके की दिक्कत दे विच आपदा दे विच सहायता की जरूरत है, तो वो फिर असी उन्हां तक अपना सुनेहा सूचना जिहड़ी है वो पहुँचाई और उन्होंने अगे अपने इलाके च घूम के देख के निगाह मार के भी जिथे सहायता की लोड़ आ जिहड़े परिवारां नूं सहायता चाहीदी आ हले तक सहायता नहीं पहुँची उन्होंने ध्यान करके वेरीफाई करके फिर उन्होंने वह अगे जानकारी दी तो असी फिर उन्होंने समान जिहड़ा है उस तरीके नाल पहुँचाना शुरू किया। ठीक है मतलब पहले सर्वे किया जाता है कि किस व्यक्ति को किहड़ी चीज़ की जरूरत है फिर वो चीज़ पहुँचाई जाए तो उहदे विच हुण तक किहड़ी किहड़ी चीज़ पहुँचा चुके हैं? इदां है जी भी उहदे विच एक तो राशन का समान सुक्का राशन जिहनूं आपां कहिंदे आ सुक्के राशन दे विच आटा चौल चीनी और दाल तेल या घिओ और इहदे नाल मसाले जिदा कोई नमक है या होर इस तरह दियां कोई चीज़ां जिहड़ियां घट्टो घट्ट एक जरूरत है एक घर दे विच रसोई विच उस परिवार का पेट पालन लई असी पहली जिहड़ी मुढ़ली सहायता असी वो देने की कोशिश की है, वो नाल नाल
कुछ जगह असी जिथे सानू लगा भी बनया होया जिहड़ा खाना है भोजन है उहदी जरूरत है तां असी उह भी नाल शुरू किया। बिल्कुल कट्ठियां दोनों चीज़ां चलाईयां भी जिथे बने हुए की जरूरत सी असी उत्थे बनया होया भोजन जिहड़े पैकेट बना के वह देने की कोशिश की जिहदे विच दाल रोटी सब्जी है या पूरी सब्जी है इस तरह दी चीज़ां असी देने की कोशिश की और नाल नाल सुक्का राशन जिथे लगा भी एक परिवार नूं एक हफ्ते लई 10 दिनां लई राशन की लोड़ है असी उन्हां राशन का एक पैकेट बना के किट बना के असी वह देना शुरू किया। सुक्का राशन तुसीं दस्सिया, सुक्का राशन किन्ना कु तुसीं तकसीम किया और लंगर किन्ना कु तकसीम कर चुके बना के और ये बनाउण दा की प्रक्रिया थोड़ी जी सानू उहदे बारे दस्सो। जिहड़ा तां सुक्का राशन है जी उहदे लई असी एक जगह अपना पूरे शहर का जिहड़ा एक केंद्र बनाया सी उत्थे वड्डी गिणती दे विच कार्यकर्ता जिहड़े है वह वड्डे हॉल दे विच काम करदे सी एक जिहड़ी प्रशासन दे दिशा निर्देश है सोशल डिस्टेंसिंग नूं मेनटेन करते हुए मास्क और ग्लव्स पा के और सैनेटाइज जिहड़ी उहनूं उस स्थान नूं भी और अपने आप नूं भी करते हुए वह काम करते सी और उत्थे असी इकट्ठा राशन जिहड़ा बल्क विच उहनूं मार्केट तो या जिहड़े कोई साडे सहायता करन वाले लोग आ समाज विच उह सानूं दिंदे सी और असी उहनूं पैकेटां दे विच बना के साडे वलंटियर कार्यकर्ता जिहड़े आ उहनूं पैकेटां 'च बनांदे सी और असी उह पैकेटां दीआं किट्टां बना के सारे समान दीआं उह असी दिंदे सी और दूजे पासे जिहड़ा साडा बणिया होइआ राशन है भोजन है वह असी अलग अलग कुछ स्थानां दे उत्ते 3-4 स्थानां दे शहर विच वह असी तैयार करवा रहे सी कुछ मंदरां विच जां कुछ गुरद्वारा साहब विच जां कुछ होर इस तरह दी इक अद्धी कोई सराम वगैरह जां धार्मिक जगह देख के उत्थे असी सांझी जगह दे उत्ते उहनूं तैयार करा रहे सी और उत्थों फिर कार्यकर्ता तक उह जिहड़े पैकेट बना के असी दे रहे सी। किन्ना क राशन तकसीम होया और दूजी गल ये तुसीं दो चीज़ां दा नाम लिया, एक प्रशासन की गल की है प्रशासन ने किन्नी क डिमांड की है उहदे नाल किन्ना क सहयोग होया तुहाडा, ये दूजी गल है गुरद्वारा साहबां का तुसीं जिक्र किया उत्थे भी राशन बने उन्हां दा सिख समाज का जदों कि आम तौर पर पंजाब असीं ये मानते हैं कि RSS और सिख पंथ आपस में एक दूजे नाल नहीं खड़ते एक दूजे के कट्टड़ विरोधी असी मानते हैं तो तुम सूँ थोड़ा जहाँ दस भी गुरद्वारा साहबान देना तो कोआर्डीनेशन किमें बैठ गई वो थोड़ा जहाँ बारे दस। नहीं कोई इदा की गल नहीं जी, ये जड़िया गल् हैं भी सिख समाज नाल साडा जिहड़ा संघ दे नाते संपर्क जां साडा संबंध नहीं है वो इदा की गल नहीं है। साडा तां नौ और मास वाला रिश्ता रहा सदियों तो ही और हुण भी यही है। ये मीडिया च या बाकी जगह पर कुछ जगह पर इदा का कोई भ्रामक प्रचार किया जाता पर असलीयत यही है भी समाज में नीचे के स्तर के उत्ते महल्लों के गलियों में परिवारों में असी एक दूजे के नाल साडे संबंध जिहड़े आ वो एक रिश्तेदारी नालों भी ज़्यादा मिलन वर्तन है उस नाते असी एक दूजे की सहायता जिहड़ी आ वो हर धार्मिक समाजिक कामों में भी और बाकी जिथे भी इदा दी आपदा आदियां असी मिलजुल के काम करते हैं और ऐसी योजना इत्थे भी बनी है भी जिथे लगा सानू भी साडा समाज सिख समाज साडा सहयोगी हो सकदा असी उन्हां दा सहयोग लिया भी है और उन्हां दा असी सहयोग किया भी है और इस तरह ही जिदा राशन है असी तकरीबन 18,000 किटा जिहड़े राशन के पैकेट है बने हुए और असी सारे शहर में और नेड़े नेड़े दे पिंडा विच असी जरूरतमंद लोगों तक उपलब्ध करवाए और तकरीबन जे मैं गिनती मेरे को जो आई है और 1,15,000 के करीब साढ़े को जिहड़े असी भोजन के पैकेट दो समय के दोपहर का और रात का भोजन असी जिहड़ा है वह लोगों तक वो बना के पहुँचाया है जिहदे विच पूरी सब्जी है या रोटी सब्जी है दाल है ये जिहड़ा बनया होया भोजन है वह असी इन्हां तक पहुँचाया। ये जिहड़ा 1,15,000 तुसीं पैकेट दसदे हो दो टाइम या तीन टाइम का खाना होएगा और ये किन्ने दिनों तो तुहाडे चल रहा ये असी मैं जिदा दस्या जी दूजे तीजे दिन तो ही असी योजना बना के इहनूं काम शुरू कर दिता सी और 22-23 दिन हो गए सानू लगातार ये काम जिहड़ा करदे आ। राशन किट्टां 18,000 जी मतलब 18,000 परिवारों नूं तुसीं राशन दे चुके हो, किन्ना क राशन दिता और किन्ने क दिनों का उन्हां दा चलेगा? इदा जी कुछ परिवारों नूं असी रिपीट च भी दिता है जिदा मैं दस्या भी एक हफ्ता या 10 दिन का राशन असी कोशिश करते हैं भी चार लोगों का परिवार है तो उन्होंने 5 किलो आटा या 10 किलो आटा अलग अलग तरह के असी पहला शुरू च 10 किलो आटा भी दिता बाद असी 5 किलो आटा भी दिता और नाल 5 किलो चावल नाल चीनी नाल दालां और तेल और ये नाल नमक मसाले इस तरह का समान सारा असी दिंदे रहे हैं और ये जिहड़ा है 18,000 का मतलब यह है भी कुछ परिवारों तक असी 2 वारी भी पहुँचाया और कुछ परिवारों तक असी 1 वारी भी पहुँचाया। प्रशासन की गल आई है जी, प्रशासन ने कि चीज़ की तुहाडे को डिमांड की?
प्रशासन तो जिस तरह की भी सानू डिमांड आती रही जी, सुक्का राशन भी सानू डिमांड आती रही भी जिथे जिथे भी इतने जी 200 पैकेट राशन का पहुँचाओ या इतने 100 पैकेट पहुँचाओ, असी वो जिथे भी सानू प्रशासन तो पुलिस प्रशासन तो DCP साहब का नाल राबता हुंदा रहा या कोई उस इलाके के SHO साहब जिहड़े भी उन्होंने कोई डिमांड की भी साढ़े इतने इस इलाके राशन नहीं है, असी अपने कार्यकर्तावान के थ्रू तो पहुँचाते ही रहे, पर उस तो अलावा प्रशासन के थ्रू भी जितों भी सानू डिमांड आती रही और बनया होया जिहड़ा भोजन है वह भी जिहड़ा है कुछ जिहड़े साढ़े पुलिसकर्मी है या सफाईकर्मी जिहड़े साढ़े भरा हैगे आ वो काम करते पुलिसकर्मी ड्यूटी देंदे सी दिन रात, असी उन्हां तक राशन बनया होया भोजन पहुँचाना या सानू डिमांड आती सी भी कुछ परिवारों नू चाहिए जरूरतमंद नू प्रशासन थ्रू तो असी वह भी नाल पहुँचाते रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुसीं जानकारियां दित्तियां ने और उम्मीद है कि जिन्ना तुसीं दावा कर रहे हो तुसीं उन्ना काम कीता होएगा और असी समझते हैं कि ये जिहड़ा पक्ष है RSS दा जिहड़ा तुसीं दस रहे हां ये भी एक देखो साफ गल है कि चाहे साढ़े मन में किसी के मन में किसी भी तरीके का किसी प्रति भावना हो, पर जिहड़ा एप्रीशिएट करने वाला काम है जे कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करनी ही पड़ती है, क्योंकि मन भेद एक दूजे नाल साढ़े विचारां दे भेद बहुत हो सकते हैं पर जिहड़ी चीज़ सच्चाई है वह हैगी और अच्छी गल्लां सामने आईयां ने, पता लग्या कि सिख समाज के भी तुहाडा बराबर जिहड़ा वह सहयोग लिया जा रहा और दिता जा रहा। इस तों अलावा कोई होर खास चीज़ कोई इस तरह का कोई जिक्र तुसीं करना चाहो तो जरूर सानूं दसो। राशन और भोजन की सहायता तो अलावा जी जिहड़ी योजना असी होर कई स्थानों के उत्ते शहर विच कीती है, एक तो पिंडां दे विच ठीकरी पैरे जिस तरह आपां नूं पता ही होना वा काफ़ी पिंडां च जाणा दा मौका मिलिया, साढ़े कार्यकर्ता भी उस योजना च शामिल होए और आप भी उन्होंने योजना की, और शहर विच भी काफ़ी इलाके इदां दे है जिथे उस इलाके नूं सील करके और उत्थे पूरे इलाके नूं सैनेटाइज़ करना और एक बार ही नहीं सैनेटाइज़ करना, साढ़े कुछ कार्यकर्ता ने अपने पंप जिहड़े है वो सैनेटाइज़ करन वाले जिहड़े आ वो लिते हुए है और उस इलाके नूं अपने महल्लिआं नूं उन्हां नूं एक दिन छड्ड के उन्हूं लगातार सैनेटाइज़ करना और पूरी योजना दे नाल कार्यकर्ता दी लिस्टां बना के और वो जिथे जिथे उन्हां दे एंट्री पॉइंट है वो उन्हां इलाकियां दे उत्थे दो दो तीन तीन घंटे दियां ड्यूटियां जिहड़े अलग अलग बदल बदल के कार्यकर्ता दिंदे आ ताकि आने वाला व्यक्ति और जान वाला व्यक्ति उन्हूं सैनेटाइज़ करके पूरी तरह नाल और कोई भी चीज़ जरूरी समान लैके अगर उस महल्ले कोई आता है जिस तरह कोई सिलेंडर की सप्लाई है या सब्जी है फल है या दुध की सप्लाई है उनका पूरा समान रेहड़ी नूं या गड्डी नूं पूरी तरह सैनेटाइज़ करके उन्हूं अंदर एंटर करन देना, इस तरह दी योजना साढ़े कार्यकर्ता ने कीतियां हैं। इस तों अलावा असी होर अगे वधदे होए क्योंकि कल्ला भोजन ही होर भी संस्थावां उपलब्ध करवा रही सी, असी नाल नाल सिविल अस्पताल विच वैसे तो जिहड़े आइसोलेशन वार्ड विच स्टाफ काम कर रहा उन्हां नूं हर तरह की सहूलत जिहड़ी सरकार वल्लों दित्ती गई है, परंतु कुछ स्टाफ इदां दा सी जिदा एंबूलेंस चलाण वाले जिहड़ियां टीमां हैगियां जिहड़े को ड्राइवर है या उन्हां दे सहायक है या उन्हां दे नाल विच काम करन वाले लोग आ उन्हां नूं PPE किटां जिहड़ियां उन्हां ही उपलब्ध होईयां सी, असी अपनी योजना दे नाल ओह PPE किटां जिहड़ियां है वह लिया के असी सिविल हस्पताल दे विच जिहड़े इंचार्ज है उन्हां नूं असी उपलब्ध करवाईयां, तकरीबन 54 किटां असी अपनियां खरीदियां सी होर भी असी मंगवा रहे हैं। इस तों अलावा मास्क और सैनेटाइज़र असी तकरीबन 6000 के करीब जिहड़ा है मास्क जिहड़ा अपना तैयार करके असी बन चुके हैं और सैनेटाइज़ करन दा जिदा मैं दस्सिया भी महल्लिआं दे विच सील करके सैनेटाइज़ करन दा और जिथे किसी परिवार नूं कोई दवाई की जरूरत है वह भी असी साढ़े कार्यकर्ता जिहड़े है उत्थे बगैर किसी इधर उधर देखते हुए वह भी उपलब्ध करवा रहे हैं, कुछ लोगों नूं एमरजेंसी एंबूलेंस की लोड़ पई जां उन्हां नूं मैडिकल फैसिलिटी की लोड़ पई तो उन्हां नूं उत्थे तक लैके आना यह भी काम करते रहे हैं और साड़ी जिहड़ी योजना जिहड़े पुलिसकर्मी या सफाईकर्मी जिहड़े सड़कां ते दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं पहले दिनों उन्हां नूं सवेरे दुध चाह बिस्कुट पानी ये जिहड़ी साढ़े एक कार्यकर्ता अपनी गड्डी लै के कार लै के उहदे विच रख के जिहड़ा है वह पूरे शहर का चक्कर लगाना ताकि जिहड़ा भी किते नाके दे उत्ते जां होर जगह ते इदां दे कोई साढ़े कर्मी जिहड़े सेवाकर्मी खड़े आ उन्हां नूं उह उपलब्ध करवाना ताकि उन्हां नूं कोई दिक्कत ना आए, यह सारियां जिहड़ियां फैसिलिटियां मतलब समाज के वर्ग नूं जिस तरह की भी कोई जरूरत लगे उहदे वास्ते साढ़े संघ के कार्यकर्ता समाज के सहयोग नाल क्योंकि संघ जिहड़ा है वह समाज का ही रूप है, असी कोई अलग तो संगठन नहीं चला रहे,
ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਅਗਰੇਸਰ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਿਕਰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਸਾਰਥਕ ਰਾਏ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।